भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने धर्मशाला दौरे के लिए पहुंच चुके हैं। वो कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और अन्य भाजपा कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद हैं। भाजपा कोर ग्रुप के सदस्य हर्ष महाजन भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आज का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से है। सोमवार को यानी कि आज 10 बजे वो नूरपुर जिला के भाजपा कार्यालय दीप कमल में पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो यहाँ पर दो जिला भाजपा कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो जसूर चौक नूरपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कांगड़ा में ब्रजेश्वरी माता मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन करेंगे तथा हमीरपुर में भाजपा कोर ग्रुप के साथ बैठक भी करेंगे। इसके साथ साथ वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल के साथ भी मुलाकात करेंगे। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालमपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देव भूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आऊं और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकू, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए सबसे पहले इन तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने आपके साथ बहुत सी बातें की और उन्होंने बड़े तफसील से आपके सामने देश की प्रदेश की परिस्थितियों पर भी चर्चा की। कुछ बातों पर मैं भी चर्चा करूंगा लेकिन उसके पहले मैं कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यालय आज खुला है इस कार्यालय से जिन बातों के कारण ये खुला है उस पर मैं खुलासा करना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था तो उन्होंने मुझसे पूछा, नेताजी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे, क्या कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालमपुर और नूरपुर और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं, बाकी जो बचे हैं वह अभी बन जाएंगे। ये हमको ध्यान रखना, 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से भरेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है, आपने देखा होगा मैं गया वो एक
ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इससे ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है और यहाँ पर योजनाएं बनती है। इसलिए बहुत मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ ये कार्यालय, आप सबको मुबारक इस संस्कार केंद्र से आप संस्कार लें और कार्यालय का सदुपयोग करते हुए सभी यूनपुर की सीटों पर आने वाले समय में कमल का परचम लहराए, कमल को गिराए और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए, ये इस कार्यालय से मुझे। मित्रों, अभी अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी आपसे मोदी जी के समय के कार्य के बारे में चर्चा कर, मैं यहां आपसे एक बात कहना था, लंबे समय से मैं भी राजनीति में, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव में देखे, बहुत से समय देखे, अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने बात उसी को भी देखा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके आती है। चाइना के कांग्रेस पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी, सत्ता के लिए कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। आज मुझे मेरा हंसी रहती और आश्चर्य नहीं रहता, कांग्रेस पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिला करके चुनाव में उतरते हैं, कहां चली गई आपकी वैचारिक विचार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है, अगर हमने 1952 के अंदर में कहा एक देश में दो निशान दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर। कितनी लंबी यात्रा की, 52 से 2019 पार्टी ने स्टैंड नहीं छोड़ा, यही पालनपुर में हमारी पार्टी ने कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे, यही पालनपुर में प्रस्ताव पारित हुआ, कहा 93-94 कहा 90 और कहा 2021-22 जो हमने कहा था वो किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया और अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होगा, यह हम लोगों की वैज्ञानिक।